नमस्कार दोस्तों, मैं यज्ञ दत्त आर्य स्वागत करता हूं आपका यूनूज चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना लेकर आया हूं जिसके बारे में आपने सुना ही नहीं है, क्योंकि इतिहास में उसको लुप्त कर दिया गया था। वो घटना है, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, 1857 की क्रांति। लेकिन एक क्रांति ऐसी भी है जो 1825 में आई थी। उस क्रांति के बारे में मैं बताने जा रहा हूं आपको कि वो उस क्रांति का इतिहास में कहीं भी जिक्र नहीं है। उस क्रांति का जिक्र क्यों नहीं है? क्योंकि चरखे के कारण और सेकुलर पार्टी होती है हमारे यहाँ पर, उन्होंने, उनके कुछ नुमाइंदे होते हैं, गुलाम होते हैं, कथाकार होते हैं, कलमकार होते हैं, किताबें लिखने वाले होते हैं, कवि होते हैं, वो गुलाम थे, सरकार के पिट्ठू थे, अंग्रेजों के पिट्ठू माने जाते हैं जिनको, वो थे। वो लोग उन्हीं का गुणगान करते थे जो उनके पक्ष में होते थे। आपने सुना भी होगा, दे दी हमें आज़ादी खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि क्या कभी ऐसे आज़ादी आई है? लेकिन हमें बचपन से रटा रटा के पागल कर दिया है कि ऐसे आज़ादी आई है। लेकिन उसके बीच में कुछ ऐसे ऐसे बलिदानी भी हुए हमारे बीच में कि जिनको लुप्त कर दिया गया। आइए उनके बारे में जानते हैं। ऐसे ही एक वीर बलिदानी, पराक्रमी और न्याय पूर्ण व्यक्ति जो थे, गेंद सिंह जिनका नाम था, श्री गेंद सिंह, जो कि छत्तीसगढ़ जिले में बस्तर नाम का एक मुख्य जगह है वहाँ पर, जिसके नाम से क्रांति हुई है। बस्तर क्रांति के नाम से उसको जाना जाता है। दोस्तों याद रखना, बस्तर क्रांति, जो क्रांति 24 दिसंबर 1824 से प्रारंभ होकर 20 जनवरी 1825 तक चली, जिसमें गेंद सिंह को फांसी हो गई। और इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको अब ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, याद रखना, क्योंकि जीवन में काम आने वाली चीज़ है। हमें अपने ऐसे बलिदानों को याद रखना है जो सबसे पहले बलिदानी हुए अंग्रेजों से देश को छुटकारा दिलाने में। जो सबसे पहला बलिदान हुआ वो गेंद सिंह का हुआ। आइए जानते हैं कैसे। गेंद सिंह परलकोट नाम की जगह पर रहते थे। बहुत बड़े जमींदार थे वहाँ के, बहुत बड़े जमींदार। वनवासी एरिया है पूरा, कुछ पर्वत हैं, गुफाएं हैं, जंगल है। वहाँ पे जब देखा गया कि अंग्रेजों का शासन होता जा रहा है, वहाँ की संस्कृति लुप्त होती जा रही है, वहाँ पे लूटपाट, नैतिक शोषण, आर्थिक सामाजिक शोषण किया जा रहा है उन वनवासियों का, जो सीधे साधे बेचारे वनवासी होते हैं, उनका शोषण किया जा रहा है। तो यह देखकर गेंद सिंह का हृदय मलिन हो जाता है। वह न्याय पाने के लिए लड़ने लग जाते हैं और एक ऐसी सभा का आयोजन करते हैं कि जिसमें दूर दूर से सभी लोगों को बुलाते हैं, गांव-गांव से लोग आते हैं उनकी सभा में और आकर सभा की बात सुनते हैं। सभा में ये निर्णय होता है कि हम विद्रोह करेंगे, हम अंग्रेजों की गुलामी नहीं सहेंगे, ऐसा विद्रोह करने का प्रण लेते हैं। और वहाँ पर धावड़ा नाम का एक वृक्ष होता है जिसकी टहनी तोड़कर हर व्यक्ति को दे दी जाती है और जाइए ले जाइए अपने गाँव में। तो वो लेकर अपने गाँव चले जाते हैं, हर गांव में वो टहनी पहुंचवा दी जाती है कि उस गांव में भी पहुंचा दो जहां पे कोई नहीं आया। इस टहनी का मतलब ये नहीं था कि इससे कोई तांत्रिक विद्या थी या कुछ और भाव थे। इसका सीधा सीधा भाव ये था कि जब तक इस टहनी के पत्ते सूखें तब तक विद्रोह करने के लिए आपको इस स्थल पर, यानी कि परलकोट में इकट्ठा होना है, वहीं पर एकत्रित होना है सभी लोगों को विद्रोह के लिए। तो जैसा ही वो पत्ते सूखने से पहले ही 5 जनवरी 1825 को सभी लोग वहाँ पे इकट्ठे होने लग जाते हैं परलकोट में। और वहाँ पे जब इकट्ठा होते हैं, अपने हथियार लैस क्या थे उनके, जो वनवासी के जो हथियार होते हैं, अपने पौराणिक हथियार, धनुष बाण, तलवार, छुरे, इस प्रकार की चीज़ें लेकर वो वहाँ पे आ गए और उन्होंने चारों तरफ अपना हंगामा शुरू कर दिया, चारों तरफ विद्रोह शुरू कर दिया अंग्रेज सरकार के खिलाफ। अंग्रेजों के जो पिट्ठू थे, जैसा कि कुछ जमींदार, व्यापारी, जो राज कार्यकारिणी के जो कर्मचारी होते हैं वो लोग, उनको उन्होंने पीटना शुरू किया, व्यापारियों से लूट लिया, जिन्होंने उनका शोषण करके लूट रखा था उनसे धन लूट लिया, और जमींदारों से भी जिन्होंने उनको सता रहे थे, जो उनका शोषण कर रहे थे, उनके साथ भी लूटपाट की और मारपीट की उन्होंने। अंग्रेज सरकार बौखला गई। उस टाइम पे एगन्यू नाम के एक पुलिस अधीक्षक थे, वो घबरा गए वहां से। उन्होंने भी तत्काल एक सभा बुलाई जिसमें बड़े बड़े अधीक्षक बुलाए गए, बड़े बड़े अंग्रेज बुलाए गए।
पूरे देश से। उसमें कहा कि कौन है जो गेंद सिंह के इस गिद्ध को, इन वनवासियों को कुचल सकता है, इस विद्रोह को कुचल सकता है। सब डरे हुए थे, कोई भी मौत के मुंह में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि इस प्रकार का उन्होंने माहौल बना रखा था विद्रोह का कि मरेगा जो भी आएगा, इतना आक्रोश फैला हुआ था जनता के अंदर। तो लेकिन कोई पुलिस वाला नहीं उठा, सबके सर नीचे झुक गए। तो फिर एगन्यू ने बहुत कहा कि तुम कायर हो, ये है वो है, बहुत तरह से उनकी बेइज्जती की। फिर एक पुलिस अधीक्षक जिसे कैप्टन पेवे के नाम से जाना जाता है, उसने कहा कि मैं करूंगा इसको, इसका सोल्यूशन मैं लेके आऊंगा, मैं इनको खत्म करके रहूंगा, मैं इस विरोध को समाप्त कर दूंगा। उसने कहा वो एक बड़ी सेना के साथ और बंदूकों के साथ, आधुनिक हथियार, एक से एक बड़े बड़े हथियार लेकर पठानकोट की ओर चल दिए। लेकिन वो वनवासी बेचारे क्या कहते, उनके पास धनुष बाण और उनके पास अंग्रेजों के पास बंदूकें थी, वो बड़ी सेना थी, वो आक्रमण करते रहे, लेकिन कब तक पूरा पाड़ते। आखिर 20 जनवरी 1825 में केन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। वो गिरफ्तार करने के बाद भी देखिए कितना डर लग रहा था उस अंग्रेज को, कैप्टन पेवे को। उसने गेम सिंह को किसी भी अधिकारी के पास नहीं लेकर गया, बड़े अधिकारी के पास नहीं लेकर गया, ना ही कोर्ट में लेकर गया, यानी कि न्यायालय में नहीं लेकर गया। वो तुरंत उसके महल के बाहर ही उनको फांसी दे दी गेम सिंह को। सोचिए कितना डरा हुआ था कि कभी कुछ और घटना ना हो जाए, कभी भाग ना जाए, कभी इसको कोई छुड़वा ना ले, तुरंत वहीं फांसी दे दी और विद्रोह समाप्त हो गया। वहाँ पर विद्रोह समाप्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसका जिक्र कभी पूरे इतिहास में कहीं नहीं है, क्योंकि जहाँ चरखा चल गया, चरखे की छाव में सब पीछे हो गए। सब जानते हैं राजनीति में किसका नाम आता है, किसको पद्मश्री मिलता है, किसको मिलता है, चाहे टैलेंट हो ना हो उसको पद्मश्री मिल सकता है हमारे देश में, क्योंकि राजनीति बहुत बड़ी चीज़ है। इसी प्रकार कथाकार भी सब गुलाम रहते थे, सभी कथाकार कवि जितने भी थे सभी गुलाम थे, सभी को पदवी कुर्सी चाहिए थी, सबको सम्मान चाहिए था, चाहे अंग्रेजों से मिले चाहे किसी से मिले, बस हमें ऊंचे पद पर रहना है, चाहे उसके लिए किसी को कुचलना पड़े। कुचलने वाले अंग्रेज नहीं थे, भारतीय लोग ही थे, भारतीय सैनिक ही थे, क्योंकि उनको बच्चे पालने थे, जैसा ऊपर से हुक्म आता था वैसे उनको गोली चलानी थी आगे, चाहे अपना कोई भाई हो, चाहे अपने कोई देश का हो, चाहे देश के लिए लड़ रहा हो, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं था। ऐसी स्थिति आज के समय में भी है, फौज को पुलिस को ऊपर से ऑर्डर आ जाए, चाहे आगे कोई सन्यासी है, चाहे किसी कुछ भी है, चाहे कोई अच्छा व्यक्ति है, उसको गोली मार देंगे, यदि भगवान सामने खड़े हैं उसको गोली मार देंगे, क्योंकि उनको तो अपने बच्चे पालने हैं। यही सेना का उस टाइम पता है, यही आज है, इसलिए गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज रह गए, वही हुकूमत चल रही है। तो दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे देश में हुई हैं, उनके बारे में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और अधिक से अधिक हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि उन लोगों तक भी ये बात पहुँच सके जिनको इसके बारे में नहीं पता है। आगे फिर मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो में, अन्य वीडियो में। आगे के लिए धन्यवाद।